नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। खबर सबसे पहले मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी और भाम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए हैं। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बहस पूरी कर ली थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने दोनों को दोषी सिद्ध कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। सजा सुनकर मुख्तार अंसारी कोर्ट में रो पड़ा था। गाजीपुर से जनटीवी संवाददाता अजय कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, आज कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि उस वक्त आंखों से आंसू निकल आए मुख्तार अंसारी के, गैंगस्टर के। क्या कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए बात कही? जी, आपको बता दें कि जनपद गाजीपुर में जैसे आए दिन लगातार मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार कार्रवाई हुई, उसी क्रम में आपको बता दें कि सन 1996 में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के पर। लेकिन उसी क्रम में आज 10 वर्ष की सजा हुई है, और सूत्रों के हवाले से बता दें, खबर मिली सर, कि वो रो दिए। जी बोलिए बोलिए। तो रोते रहे, और साथ ही साथ अगर भीम सिंह की बात करें तो भीम सिंह को भी 10 साल की सजा हुई है। इसके साथ साथ 5-5 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जी अजय, किस तरह का माहौल था उस वक्त? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोर्ट ने जिस तरह की दलीलें कोर्ट में दी गई थी, इस बात का अंदाजा काफी हद तक हो जाता है दोनों पक्षों को कि जिस पर आरोप लगा है वो दोषी करार दिया गया है या नहीं। हालांकि सजा का ऐलान बाद में होता है, लेकिन फिर भी किस मानसिकता के साथ वहां पर मुख्तार अंसारी पहुंचा था? क्या तैयारी थी? क्या उसे उम्मीद थी कि आज वो छूट जाएगा, या फिर उसे लग रहा था कि सजा का ऐलान तो होना है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, एकदम से वो वहां पर ये कहें कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पूर्व में भी मुख्तार अंसारी लगातार आज कई सालों से जिले कहीं ना कहीं जेल में बंद। इससे पहले बना पंजाब रहा, पंजाब के बाद उसको यूपी लाया गया, लगातार जेलों में बंद रहते नजर आया है। और साथ साथ अगर बात करें तो आज जो 10 साल की सजा को सुनाया गया है, उसको लेकर मुख्तार माफिया जो है मुख्तार अंसारी की आंखों में आंसू आ गया। उस काफी लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। जी प्रभात। अजय, ये बात सही है, देखिए जो किया है उसका फल भुगतना पड़ता है। लेकिन अब इसको लेकर राजनीतिक, अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें, राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा, विधायक रहा, तो ऐसे में इस पर राजनीति भी जाहिर तौर पर हो रही होगी। क्या कोई राजनीतिक बयान इस सजा के ऐलान के बाद आया है? जी, जैसा कि आपको बता दें कि आप जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले वो बसपा से विधायक रहे हैं महू में, और बात करें वर्तमान में उनके बेटे, जैसे अब बात अभी वर्तमान में सपा और भाजपा के विधायक हैं। और राजनीतिक अगर मुद्दों को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां की जो सरगर्मियां हैं इनको लेकर तेज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये सजा का ऐलान किया गया है, दो लोगों को सजा का ये ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और उसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उसके साथ उसके सहयोगी भीम सिंह को भी सजा का ऐलान किया गया है। कुल 5 गैंग चार्ज उन पर लगाए गए हैं। अलग अलग मामले हैं जिनमें पुलिस पर जानलेवा हमला भी है, कांस्टेबल पर हमला है। इसके अलावा 149, 302, 307, इन सभी धाराओं में उन पर जो मामले थे उनमें ये सजा का ऐलान किया गया है।